नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ पीएम एजीपी लोन प्रोसेस। 50 लाख तक का अगर आपको लोन चाहिए दोस्तों, जो कि आप पीएम एजीपी के द्वारा ले सकते हैं, इसमें जो लोन का प्रोसेस है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ कि कैसे आप इस लोन को ले सकते हैं और इसमें क्या सब्सिडी है, वो भी मैं क्लियर बताना चाहता हूँ दोस्तों। इसका जो प्रोसेस है वो पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि आप इसमें 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं और इसमें आपको जो सब्सिडी मिलेगा या इसका जो मतलब जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको 35% तक जो है तुरंत माफ भी है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप 50,000 ले, आपका जो एलिजिबिलिटी होगा, जो आपका क्राइटेरिया होगा, तो उस कंडीशन में आपका चेक करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो लोन है वो कितना मिल जाएगा आपको उसका धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। और जो इसका किस्त होगा वो आप भी आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। तो हम लोग दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का जो वीडियो है वो मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा, ताकि आपको जो अगर लोन का कुछ करना हो, बिजनेस करना हो, अगर आप कहीं भी हैं, चाहे बिहार में, चाहे बिहार या अदर कोई भी अदर स्टेट, किसी जगह से ऑल इंडिया, तो आप इस लोन का अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप लोन ले सकते हैं, जो यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा ऑनलाइन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस चैनल पे आपको मैं जो ये वीडियो में बता रहा हूँ ट्रिक सब कि आप कैसे लोन ले सकते हैं, तो अगर आप जो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी इसको आप पकड़ सकते हैं, अच्छा से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या प्रक्रिया है। यहाँ पे दोस्तों दिया गया कि इसमें 50 लाख तक का लोन, जो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको, इसमें ऑल इंडिया कैपेसिटी जो बताया है, जो ऑल इंडिया एप्लीकेंट कैन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक भी क्लियर दे दिया गया है दोस्तों। और इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो मैंने पहले बता दिया गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें इसमें है कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदन की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, पहला। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इस योजना के मदद से केवल पीएमईजीपी के अंतर्गत विशेष रूप से स्वीकृत नई व्यवहार में परियोजनाएं के लिए उपलब्ध होंगे। मौजूदा इकाइयों और वह इकाइयों जिन्होंने पिछले सरकारी सब्सिडी PMRY, PREGP, PMEGP, CMEGP या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत का लाभ उठाया है, वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। पंजीकृत व्यय सावधि ऋण के बिना परियोजना प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद भूमि की लागत परियोजना लागत के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएगी। मतलब अगर आप इसमें जो आपका अगर भूमि लेते हैं तो ये जो आपका लागत है वो उस परियोजना में शामिल नहीं होगा, ठीक है। सभी कार्यवंत एजेंसियां KBIC, KVIB, DIC और क्वेर बोर्ड ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में आवेदन संसाधित कर सकती है, ठीक है। मतलब ग्रामीण भी और शहरी भी कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक को UIDAI सर्वर से आधार संख्या, नाम, लिंग, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसे जनसंख्या की विवरण प्रमाणित करने के लिए आपको अपनी सहमति देनी होगी। ऊपर में दिए गए सभी योग्यता को पूर्ति करके आप आसानी से इस योजना के अंतर्गत के आवेदन करके 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो लिमिट दिया गया कि 50 लाख तक ही आपको मिलेगा, ठीक है। और आपका जो लिमिट है कि आप इतना लेके इतना में काम कर सकते हैं, तो आप उतना ही लीजिए, जितना अप्लाई करिएगा उतना आपका लिमिट होगा, तो आपको उतना लोन आसानी से मिल जाएगा, मगर उसका जो लिमिट है वो हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, पहले तो पासपोर्ट साइज लगेगा आपको। शैक्षणिक योग्यता जो भी है, जो कि हमें पहले बता दिया गया कि आपका 8 क्लास से पास होना चाहिए, तो 8 से ऊपर चाहिए इसको क्लास, ठीक है। इसके बाद इसमें जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट समरी है, उसके बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है, वो दोनों आपको इसमें चाहिए। सोशल स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एवल अप्लीकेबल एंड रूरल एरिया सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, ठीक है। ये सब आपको जो डॉक्यूमेंट में है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि इस लोन को जो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का है, तो लिंक तो दिया गया वैसे, तो लोन प्रोसेस करने का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज खोलने के बाद आपको न्यू यूनिट की पे आगे अप्लाई ऑप्शन दिया जाएगा। दोस्तों ये मैं आपको डायरेक्ट करके ही बता देता हूँ, मतलब एक स्टेप बताऊंगा कि इसका लिंक जो दिया हुआ कैसा लिंक है, क्या इसमें आपको लिंक खुलते ऑप्शन से दिखता है,
ये इसके बारे में। तो जो भी कैंडिडेट ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जो भी इस प्रकार से लोन लेना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इस मतलब वीडियो में आप समझ लीजिए, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो सब रख लीजिए, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करिए और जो आगे का प्रोसेस होगा वो आपको जिस बैंक के द्वारा लेना होगा, जो बैंक आपका नाम होगा उसमें, उसके द्वारा आपको आगे का प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब अगर आप स्टेप बाय करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं अप्लाई। वैसे मैं इस वीडियो इसके बारे में भी वीडियो आप आज नकल बना के इसके बारे में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों कहीं अगर आपको समझने में प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको जो इस प्रकार का वीडियो है वो बना के दिखाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।